बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। इस वक्त हम उस्ताद खालिद आल कराची पिजन की छत पे मौजूद हैं और उनके कबूतरों का शौक करवाते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। इस वक्त हम अपने पंजाब के असातिज़ा के हमरा पंजाब और सिंध के मौजूद हैं। आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर उस्ताद खालिद जौहर साहब की छत पर और आज उनके कुछ मुनफरद ब्रीडर कबूतरों का शौक कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद जजी गुजर ऑफ लाहौर, हमारी हंसती मुस्कुराती शख्सियत उस्ताद गदनफर महर और हमारे दीना की पहचान पंजाब का जोशीला खिलाड़ी उस्ताद मोदी भट्ट और वो हैं नूर इस्लाम। और ये है जी हमारे, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम कैसे हैं जी खालिद? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो शानदार फंक्शन की और माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत रंग ले आई और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने बुलाया। कुछ छोटे शौक करवाए मेहमानों को, सबको मेरा सलाम। खालिद भाई बड़ी बड़ी मेहरबानी, हम तो आते रहते हमारी अपनी छत है। हाँ जी हम आए हैं। ये फकीरगुल कबूतर है? नहीं जी सियालकोटी है जी। तो आपने हमें पहले फकीरगुल कबूतर दिखाया था ओरिजिनल? हाँ दिखाते हो, वो दिखाएंगे सिर्फ की सियालकोटी कबूतरों का शौक कराए। ये देखिए खालिद भाई के सियालकोटी कबूतर है ब्रीडर। ये आपने ना एक मिनट रोशनी बहुत काम करते हैं। ये सियालकोटी कबूतर है जी, दिखाएं जी आंख। ये कबूतर है जी, टांग दिखाएं जी। ये कौन सा कबूतर है जी? सियालकोटी है ना, ये भी सियालकोटी है जी। हाँ दिखाएं जरा इसकी आंख तो दिखा दें। सियालकोटी क्या बात है जी, इसमें सियालकोटियों में मिक्स किया हुआ है कुछ आपने, ऐसा ना बोले। ये मादा अलग अलग है सर, ये जो दिखाई है ये बहुत ही प्यारी उम्दा नफीस मादी है। अच्छा माशाल्लाह, और रिजल्ट देने वाली है, ये नहीं कि रिजल्ट नहीं देगी। चले तो शौक तो कराए बस फिर तरह। ये देखिए और इसकी मुलायमियत है और बहुत ही अच्छी पॉइंटों वाली मादी है ये। खालिद भाई कोई टिश्यू का है तो मसला हल करो। बहुत नफीस और अच्छी बनाई हुई मादी है इनकी ब्रीड में, जिससे हमें भी देखकर शौक का मजा आया। ज्यादा शौक कराओ ना, कराओ तुसी मुद्दी साहब, कराओ ना तुसी, कराओ। ये भी उनकी मादी है और ये देखें अच्छे कुंदे के बनाए हुए कबूतर उनके, और ये सियालकोटी और दूसरे कबूतर बनाए हुए क्यों मिक्स किए हुए उन्होंने। दो पे ना सही नहीं आ रही है, सियालकोटी कबूतर में से बनाए हुए हैं और अच्छा रिजल्ट है इनके पास कबूतरों का, चेक करा दें जी। भट्ट साहब कैसे लगे कबूतर? माशाल्लाह बहुत अच्छे। ये कबूतरी दिखाना मुझे, ये वाली ये जी मेन कबूतरी है, इन सब की माँ यही है। अच्छा ये इन सब की माँ है, बड़ी माँ, माँ तो माँ होती है, माँ तुझे सलाम। और ये कबूतरी देखें जी, इसमें से खालिद भाई ने कबूतर बनाए हैं। इसमें शेखो वाले भी हैं, मलाई वाले भी हैं, बटेरे भी हैं। शेखो वाले, मलाई वाले, बटेरे बहुत पुराने नाम ले रहे हैं। और इन कबूतरों को आप देखें जी, जबरदस्त माशाल्लाह। दिखाएं जी आंख इसकी, अब ये आंख ही तो नहीं, नहीं इस तरह दिखा, इस तरह दिखा। हां जी ऐसे देखो, आज ऊपर आ जाएं इसके। मैं आ गया हूं,
ये जी सियालकोटी मादा। हाँ भाई, इसकी क्या प्रोग्रेस इस नस्ल की, मतलब गर्मियों की बात करें? जी सर, गर्मियों की बात करें। सर, गर्मियों में इसकी 89 या होगी, अपना क्या नाम है, शाम में खुली है, उसका नहीं बैठी। अच्छा, दूसरे दिन नहीं आई, हमने इंतजार करते रहे, नहीं आई। तीसरे दिन मोर लगाई, कबूतर मार दिया 8, 2 बैठ गए 12 बजे तक, बाकी 6 ऊपर थे 2:30 बजे तक, 6 की जगह 7 हो गए। 7 हम नहीं समझ पा रहे कौन सी है वो। फिर जी शाम में उनके साथ आई है वापस। वाह, क्या बात, 3 दिन बाद। हाँ, तीसरे दिन जब दूसरे दिन हमारे सामने आई कबूतर, तीसरे दिन हो गया ना। हाँ, तीसरे जब कबूतर ऊपर देखे तो ऊपर चली गई, घर नहीं बैठी। अच्छा, फिर बिल्कुल खत्म हो गया, हम नहीं पहचान पाए। जब अद्धे से नीचे आ, बोले ये कबूतरी कहाँ से आ गई, एक्सेप्ट ही नहीं, वो वही जेन में नहीं था कि भाई ये आ जाएगी। हाँ, कि तीसरे दिन आकर ऊपर खड़ी हो जाएगी। ये है जी उसका रिजल्ट। ये देखे जी, नस्ल के लिहाज से उन्होंने बकाया था, कल के मालिक हैं ये कबूतर। अच्छा, और तीसरे तीसरे दिन भी घर आ जाते हैं ये कबूतर। इधर देखे जी, हाँ जी, तो ये माशाल्लाह, ये देखे जी कबूतर, सियालकोटी कबूतर हैं। अब ये जो दिखा रहे हैं ना, हमें तकरीबन सियालकोटी पर दिखा रहे हैं। कराची में वैसे कबूतर इस टाइम मिक्स हो गए हैं, सर, सियालकोटी, टेडी कसूरी, सियालकोटी रखे हुए। ये जी मोदी भट्ट साहब, बहुत अच्छा शौक है जी खालिद भाई का। दिखाएं जी नूर भाई, ये ले भाई, लो देख लिया ना, ये कबूतर का पुंदा तो देखे माशाल्लाह, ये देखे, ये देखा, क्या बात है। मेरे कबूतरियों के बारे में बताता हूँ जी, आगे आप पहचानो या नहीं पहचानेंगे कौन सी। बहुत अच्छी कबूतरी है, ये देख, बेहतरीन कबूतर है जी। ये वो है जी, लो जी आ गई कबूतरी वो। और ये जो कबूतर उमर भाई, ये कबूतरी वो है जो एक दिन तो रह गई, तीसरे दिन जब परवाज थी, 8 उड़े कबूतर, 8 तो 2 बैठ गए थे, 6 कबूतरों में 7वीं ये लगी है, यानी कि 3 दिन की परवाज लेकर ये बैठी है। चल दिखाई दे इसकी आंख, दिखाएं। ये देखें जी, क्या बात है। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड गैलरी के तावन से आप देख रहे हैं, और उन्हीं के तावन से 3-3 दिन के परवाजी काबिली कबूतर, 3 दिन के काबिली कबूतर परवाजी सिर्फ और सिर्फ बर्ड गैलरी के प्लेटफार्म से, और माशाल्लाह आपको दिखाए जा रहे हैं। और ये खालिद भाई इतने कंजूस भी है, कम दिखाते हैं ऐसे कबूतर। ये आज तक पर्चे में अपना रात नहीं बैठती, एक दिन में नहीं बैठती, अगले दिन एड़ते भी पर्चे में नहीं लगती। लो अब कर लो बात, इसकी डोरी चेक करें जी आप, इसकी 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 डोरे चेक करें। माशाल्लाह, इसमें भी कराएं डोरा चेक। माशाल्लाह, बेहतरीन शो। पूरा कबूतर दिखा दें आप इन्हें, ये देखें आ गया, ये पूरा कबूतर है। एक ही शेप के बने हुए कबूतर है, जैसा मजा आ रहा है। हाँ जी, उनके कबूतर जो उन्होंने बनाए हैं अपनी समझदारी के लिहाज से बहुत अच्छे कबूतर बनाए हुए हैं। अच्छा, तो ये कबूतर अपनी तरीके से आप हैं। अच्छा, ताकि इस मौसम को लिहाज से तोड़ दूं, मगर मैं तोड़ नहीं पाया जोड़े को। क्यों? नहीं तो अब मैं इसका रिजल्ट ही ऐसा है। अच्छा, तोड़ना चाहता हूँ, मैंने नहीं यार कि क्या करूँगा इससे अच्छे करके। अच्छा जी, पूरे जोड़े को देखिए, इनमें सब में सियालकोटी पर है। जी जी, सियालकोटी के बगैर, हाँ सियालकोटी में तुम्हारी ऊँट वाली, सियालकोटियों के बगैर कबूतरबाजी नहीं है। ये थे ये है, ये थे उस्ताद खालिद बाकमाल जुमला। वालेकुम सलाम, मुबारक। जितनी भी छतें घूमे हैं तुरा भाई, हाँ जी आपने छतें देखी? हाँ जी, कमंगल टेढ़ी, कमंगल टेढ़ी गोल्डन, यही यहाँ पर आपको मुनफरद शौक नजर आ रहा है। मुबारक चार बाबू,
ये कबूतर टोटल ज़्यादा सियालकोट के उन्होंने बनाए हुए और ये अपनी तरीफ आप हैं कबूतर। अच्छा मोदी साहब तुम भी कोई कमेंट कर लो, कोई पसंद है सियालकोटी कबूतर थोड़े हाथों जो निकल रहे ने इस वक्त? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ਅਸਾਂ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਇਸਕਾ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਹ ਇਸਕੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਇਸਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਉੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸਕੀ ਦੇਖੇ ਕਬੂਤਰ कोकाफ के में तो सुना था जिन रहते हैं, मगर खालिद भाई के घर भी जिन में भी आ गए हैं जी, जैसे हम कराची में पाए गए हैं जी, ये जिन आ गए हैं जी, आपको ये जिन दिखा रहे हैं हम, तो ये भी दिखाएगा इसकी वीडियो चार बार जी दिखाएं, फिर बाकी लोगों में भी जाके कर रहे हैं ये ना, कितनी इसमें कम सारी चीज मुकम्मल कर लो ग्रुपों में। ये कौन सा ये इन्हीं में से था, इन्हीं में मिला सियालकोटियों को मिला जिन कबूतर है जी, जिनकी माना ये है कि मजबूत और पायदार, वापस आना, समझदार। अब इसकी आंख का शौक करा रहे हैं हम, दूसरी आइज का भी शौक कर लें, नजर नहीं आ रही, नहीं आ रहा नजर, वो ऐसे कर देते हैं ठीक है। ये मक्खन कहाँ से आ गया? ये भी नहीं गया, सब इन्हीं में थे जो बाहर इन्हीं का ना, यही तो जोड़ा है वो पूरा जो मैं कहता हूँ कि मैं, ये तो जुबली है ना। हाँ हाँ, लो जी मक्खन और जुबली का मेल, ये मक्खन है, ये जुबली है, नहीं ठीक हो गया, ये हमने नाम रखे आज, आगे ही बढ़े। हाँ जी, नाम रखने के पैसे लेते हैं हम खालिद भाई। अच्छा, ये जी देखे जी जोड़ा, क्या बात है, कैसा फिर सियालकोटी कबूतरों का शौक, मुझे रास्ता देंगे भागने का के लेके भाग जाऊं। हाँ जी, माशाल्लाह जी दिखाए दो, खालिद भाई माशाल्लाह बहुत आपका भाई, अंदर से होकर आओ, दिखाओ संगत को कबूतर अंदर वाले, अंदर से दिखाओ आप, ये जी माशाल्लाह उस्ताद खालिद हैं जी, लोग आपको शौक करवा रहे हैं जी, जोड़ा वाला सेटअप है जी उनका। ये अंबाले वाले कबूतर हैं जी, खालिद भाई को मैं सर एक तस्वीर निकाले, मैं खालिद भाई को एक किस देता हूँ हमेशा, समझे ना, ये अंबाले वाले क्या बात है,
ये थे रतनपुर भाई। अब आप ये बताएं जाते जाते कमेंट कर भाई। देखे कराची में हमेशा हम आते रहते हैं, मगर कराची के कबूतर जो है वो हर छत पे हमने अलग अलग देखे। ऐसे नहीं कि एक ही लड़ी में सब लगे हुए हैं। किसी के पास कमंगर है, किसी के पास टेडी गोल्डन है, किसी के पास अभी देखे खालिद भाई ने तकरीबन कबूतर में सियाल गोपी, बटेरे, चूहे, शिकरे और अब दिखा रहे अंबाले वाले और ये फकीर कबूतर। बहुत अग्रेसिव कबूतर है ये ऐसा कबूतर है जो दिल को छू लेता है। दूर से ही मुझे नजर आया, ये देखिए इतना जिस्म सॉलिड कबूतर है और घर आने वाले कबूतर, मालिक को पर्चे में नाम लिखवाने वाले कबूतर है ये। जब पर्चे में नाम नहीं होगा तो आप जीत नहीं सकते, ऐसा ही है ना। ये कबूतर वो है जो पर्चों पे आते हैं और टाइमिंग में आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा बेहतरीन डॉक्टर। ये जो जोड़ने वाला सेटअप है वाह, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जोड़ने वाले। बच्चे करीब से दिखाना, उधर से खा जाओ, उधर भी ले कर चले जाओ बड़े को। तरा भाई मैं आ गया उधर आए जल्दी भाई। हां आ गया जी माशाल्लाह, उड़ने वाले उन्होंने बच्चे छोड़े हुए हैं। माशाल्लाह बच्चे तैयारी के लिए छोड़े हुए फल साहब। पहले आपको जो बच्चों का शौक करवाया देख रहे खुदे में वही है मेरे ख्याल में जी, वो तैयारी के लिए रखी हुई फल साहब। वाले के जोड़े लाजमी दिखाए पहले। हाँ जी पहले आपको बच्चे दिखाए थे जी, फिर मादी है, अब ये कबूतर नर आपको दिखा रहे तैयारी के लिए छोड़ेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन कबूतर है और टेडी अपना जो है फकीर उल कबूतर और सियालकोटी कबूतरों का ये मेल है, इनके पास बहुत ज़्यादातर। तो ये कबूतरी अगर आप देखेंगे पूरी बंतरों में बनी हुई कबूतरी है ये।
ये फकीरपुर और सियालकोटी कबूतरों में क्रास क्रास है तकरीबन। क्या कमाल की कबूतरी है, क्या इसके ये दिखे बेहतरीन कबूतरी है जी, ये माशाल्लाह क्या खड़ी हो। हाँ अली भाई अब दो मिनट के लिए मेरे पास ये अगर आप भी आ जाइएगा मेरे पास उनके पास टेढ़ी कबूतर भी है, उनका भी आप शौक करें। देखो मंगल जबरदस्त कबूतर है माशाल्लाह। हेलो चला गोल्डन नहीं मर्दा पहचान गए बहुत अच्छा इनर सो गए हूं तो पता ही है टैडी केड़ा थे गोल्डन। हां जी क्यों नहीं पर लाल परी केड़ा थे। जज्जी साहब कह रहे ने कि जज्जी साहब को कबूतर बहुत पसंद आया है माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह लाल वाला केड़ा ये फलाना केड़ा ये बैठियां देखो जिस्म देखो पंजे दिखाओ जी पंजे कबूतर वगैरह ये देखो जैनवन सुर्ख पंजे और पांव मुझे साथ एक बोले नहीं मैंने कभी मंगा जानवर आदि की बयान की सोने आए जी इधर हाल भाई मेरे पास जरा बाबर एक छोटा शौक करवा है। कौन से ऐशिक कौन सा कबूतर है बताओ ना ये भाई तराब हैदर साहब दे टीटी कबूतर को हमारे दादा उस्ताद के मीडिया चैनल बनाना है नहीं नहीं रस्म हो गई है थानू नहीं पता चलिया नहीं रस्म कदा हो गई कबूतर की रिजल्टेड आगे दिखाएं भी मोदी भाई इसको इसकी आग दिखाएं क्या चौक कराए परों का और परियां चेक करेंगे माशाल्लाह कबूतर ये मादी है ना नर 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 आज लगा किधर आज तो पंजे चेक करेंगे। हेलो हाँ जी 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 शौक लगे करे ने जवाब चेक करे कौन यश बस निकलन लिया इथू ता जुमरात तक इंशाल्लाह पूजा सा आ गया आई है फोन है दानुस क्या माशाल्लाह जी मजा आया जी गर्मी हो रही है शादी चले यार तो दो मिनट की अब खालिद भाई कैसे हाँ जी व्हाट्सएप कैसे बहुत शानदार कबूतर माशाल्लाह आप भी व्हाट्सएप बस आपने बोल दिया बट तो बट ही है कबूतर क्या बात साहब इस कबूतर में देखा माशाल्लाह क्वालिटी में बहुत लाजवाब है जबरदस्त जी आप देखिएगा
बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और कराची ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर उस्ताद खालिद साहब की छत पे मौजूद हैं, उनसे छोटी सी गुफ्तगु करते हैं। खालिद भाई, शौक कब से है? शौक तो बस अपना बचपन से है, खानदान में आगे पीछे कोई भी शौक नहीं था। अच्छा। बस ये शौक किया। अच्छा। तो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। तो फिर वाइंड अप किया। अच्छा। फिर अपने एस्टेब्लिश बिजनेस करने के बाद फिर हमने दोबारा ये शौक अभी दोबारा स्टार्ट किया। उसको टाइम हो गया 5 से 6 साल। अच्छा, आप ये आपकी जो लड़ी उस्तादी शगिर्दी की कौन सी है, क्या है? जी मेरे सबसे पहले उस्ताद थे, उस्ताद राज फारूक। अच्छा जी। उनके मेरे दादा उस्ताद थे ख्वाजा अब्दुल अजीज साहब लाहौर के। अच्छा। वो फिर उनका इंतकाल हो गया जी, वो फिर छोड़ के इंग्लैंड चले गए। फिर मैंने उस्ताद अब्दुल रहमान साहब के हैदराबाद के हाजी साहब और डॉक्टर साहब के पेशावर से उनको शायद उस्ताद किया था, पेशा उन्होंने मुझे खुद उस्ताद बना दिया। अच्छा, तो अब 4-5 साल से दोबारा शॉप में डॉक्टर शाही मरूम की वजह से दोबारा शॉप में दोबारा माशा उन्होंने जब रखे तो उन्होंने चलाओ भी रखे। अच्छा, तो आप भरपूर शौक का रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। कबूतर हमने देखे कि आपको दाल कुटी थी तो बहुत जी, मतलब देखो दो दो एक साथ आने में भी अपना वापसी भी आने में मजबूती देखा है कि वो डीप ज्यादा जाते हैं लोगों उनका, मतलब वापसी का फिर अपना आने का वो होता है। और डैडी बोतल अभी की इंडस्ट्री से 40-50 साल से ठीक है। आप कहते हैं कि वापसी बहुत है। हाँ, वापसी बहुत है और मतलब मजबूती है हमने और मजबूती। अच्छा, और आपके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा। जी हाँ, आपने वो दिखाई। जी आपने जो माता दिखाई की जो तीसरे दिन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यानी पहले दिन बोल लगवाई। अगर मैं उसकी बचपन की स्टोरी आपको दे दूँ, 2-3 कली की पट्टी थी, शाम में अंदर नहीं, रात रह गई। रात रहने के बाद सुबह जब वो अपना 4-5 बच्चे रह गए थे, 3 आगे 2 नहीं आए, ये मुझे 10:30 बजे नजर आई। मेरे कबूतर मारे हुए थे उनके साथ जाके वापस चली गई आसमान पे, जानवर थे 3:30 बजे फट के आई। यही मारा। अच्छा, अब मुझे अंग्रेजी उतनी में परवाज उड़ा। अगर अब मैं आपसे पूछूं कराची के शौक के हवाले से क्या कहें? सर कराची का शौक एक बात बताऊँ, कराची का मौसम हमारे काबरी वाला नहीं है। अच्छा। हमारे को नहीं मिलता जैसा आपको लाहौर पंजाब को मौसम मिलता है। हमारे को ये हमारे अब खराबी है, हवा मौसम बादल उसकी वजह से हम जरा पीछे हैं। बाकी जुनून और शौक तो हमारे यहाँ बहुत है जी, और इंशाल्लाह और उसको और आगे लेके जाना है। अभी हमारा एक अपना कार चैंपियन हो रही है, वो आशिक कुमार साहब ने बहुत बड़ा निश्चित दी है कि अल्लाह करे कि वो और अच्छी तरीके से उड़े और उसके बाद फिर और उसमें छते आए मजीद हर साल ये उठा रहे बेहतरीन शौक हो रहा है। और एक बात बता दें, कराची की कबूतरबाजी में जो आज जहाँ खड़ी है, हाजी साहब के बगैर नामुकम्मल है। अगर हाजी साहब नहीं होते तो ये कबूतरबाजी में यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं काफ़ी हर्षे से कराची को देख रहा हूँ कबूतरबाजी। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ये तय है, मैं आरिफ भाई का भी दोस्त हूँ, आरिफ भाई को भी जानता हूँ, सरदार साहब को सबसे मेरे ताल्लुक है, मगर हाजी साहब की जितनी खिदमात हैं कराची की कबूतरबाजी में, यहाँ तक कबूतरबाजी आई वो हाजी साहब की मौजूद। आप अपने एसोसिएशन के हवाले से क्या कहेंगे, उसके किरदार के प्लेटफॉर्म के हवाले से? सर वो हमारी एसोसिएशन में तो सर हीरे पड़े हुए, सर रियाज भाई सिविलाइज आदमी, शरीफ आदमी, कोऑपरेटिव आदमी, फिर हाजी साहब जैसा आदमी, इतना मतलब सुलह जो आदमी है हाजी साहब, इतना इग्नोर करने वाला आदमी है, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है जी। और फिर हमारे साथ ये जो जितने भी थंग ब्लड आए हुए भरपूर मेहनत कर रहे हैं अपने वेलफेयर को, हमने सिर्फ वेलफेयर को देख रहा है जो शौक को प्रमोट कर। मुझे तो अब कराची का मुस्तकबिल बहुत अच्छा लगा। या जी बिल इंशाल्लाह, हमारी नेक तमन्ना है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब ये थे उस्ताद खालिद जौहर ऑफ ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सरपंच सियाना, सुबह सुबह उनके पास मौजूद हैं। उनका एक बेहतरीन जॉब को मिला, अनुसारियत ये थी कि उन्होंने ज़्यादा चाल कोटी कबूतर देखने को मिले और बड़े अच्छे यूनिक और वो इनके दीवाने भी नज़र आए। और क्योंकि पूरे कराची में ये एक मुनफरद अंदाज था जो हमने आपको दिखाया, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपकी खिदमत में एक नई छत से एक नए चैम्पियन चैम्पियन आपकी खिदमत में आ जाएंगे।